साथियों, परिवारवादी पार्टियां अगर सबसे ज्यादा नुकसान करती है तो वो है हमारी युवा प्रतिभा का, युवा टैलेंट का। जबकि आप देखेंगे भाजपा में आज कोई अध्यक्ष है, कल कोई और अध्यक्ष बन जाता है। आज कोई एक भूमिका निभा रहा है, कल कोई और वही भूमिका निभा सकता है। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। भाजपा में कौन किस परिवार का है इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहां कार्यकर्ता का परिवार नहीं, उसकी कर्मठता, उसका समर्पण, जनता के लिए सेवा करने का भाव, उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं। और आप जनसंघ के जमाने से इसे देख सकते हैं। हमारे यहां हमने इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जीने का वादा करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को जन्म हुए करीब 4 दशक हो गए। इन 4 दशक में आप देखिए, हमारे यहां पार्टी अध्यक्ष, सभी पार्टी अध्यक्ष अलग अलग बने, अलग अलग इलाके के बने हैं। कोई किसी परिवार के प्रभाव में हमारा अध्यक्ष नहीं बना है। जबकि पिछले 4-5 दशकों में हमने कांग्रेस पार्टी में करीब करीब एक ही परिवार का अध्यक्ष देखा है। साथियों, आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस में कम अधिक मात्रा में लोकतंत्र बचे हुए थे। जब बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हुआ करते थे तब वहां अध्यक्ष बदले जाते थे, वहां लोकतंत्र बचा हुआ था। लेकिन कांग्रेस में आजादी के बाद जो दिक्कत आना शुरू हुई, जब एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया, कांग्रेस की देखा देखी पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां ये कांग्रेस को देख करके सीख गई और पूरे लोकतंत्र को दीमक की तरह बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यहां यूपी में भी गौर परिवारवादियों ने कांग्रेस कल्चर को ही खुद ने पूरा का पूरा उतार लिया है, उसी रंग में रंग गए हैं। बीते कई दशकों से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है।